बिहार में महादलित समाज में एक समाज के बारे में लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो यही सब काम करता है, उसका रोजगार छिन गया। और उसके बाद जब ताड़ी की बात आई तो बहुत, तो कितना हंगामा किया कि वो जात का नाश कर दिया। मैंने अब जात का दूसरा कोई काम नहीं है, मैंने वो अपना छाती छिलवाते रहेगा, पढ़ेगा नहीं, कोई और काम नहीं करेगा। मैंने पीने वाले आनंद से पिएंगे, वो बेचारा कितना ऊंचा चढ़ता है बताइए, तो किस तरह से चढ़ता, मैंने वही काम करेगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो हमने उसका भी उपाय निकाला, हमने कहा कि ताड़ी तो खराब चीज है, सूर्योदय के बाद फर्मेंटेशन हो जाता है और नशीला बनता चला जाता है, लेकिन उसी ताड़ के रस से नीरा भी बनता है और नीरा बड़ा ही उपयोगी चीज है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर चीज है। और वो सूर्योदय के पहले उतर जाना चाहिए। आज जो लगनी में लोग ताड़ी जमा करता है, जो रस उसका जमा होता है बुनबुन, तो उसी तरह से उसी लगनी के अंदर चूना का लेप लगता है और उसमें उसका रस इकट्ठा होता है और उसको सूर्योदय के पहले ही उतार लीजिए तो वो हो गया नीरा। वो पीने से बड़ा फायदा है, अब सब काम शुरू हो गया। और उस नीरा से गुड़ बनता है, इतना बढ़िया गुड़ बनता है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग भी कहता है कि डायबिटीज भी है तभी उस गुड़ को खा सकते हो, इतना बढ़िया चीज। बोलिए, अभी हाल में मंत्रिमंडल की बैठक हम राजगीर में किए थे, तो बैठक के दौरान कुछ दिया जाता है चाय पीने के पहले कोई चीज, तो वहां पर देखा कि सबको पेड़ा दे रहा है। तो पेड़ा हमने कहा क्या है, तो कहा कि पेड़ा है और नीरा के गुड़ का प्रयोग इसमें हुआ। अरे पेड़ा में तो खोआ रहता है, दूध का खोआ, उसमें लोग चीनी डाल देते हैं, लेकिन वो कहा कि नहीं नीरा के गुड़ का, उसको खा के देखे इतना स्वादिष्ट। हमारे जितने मंत्रिमंडल सहयोगी कोई दूध पेड़ा से कम कोई नहीं, नालंदा में तो ढेर ताड़ का पेड़ है, बहुत ताड़ का पेड़ है। तो उस नीरा से गुड़ भी बनेगा, जितना आदमी को पीना है सुबह सुबह पी ले भाई नीरा, और जो बच जाएगा सबको इकट्ठा करके गुड़ बनेगा और गुड़ बचा लेंगे। इसके बाद नीरा जो है उसको ठंडा माने बर्फ चारों तरफ से रहेगा ऐसा बर्तन भी इंतजाम किया गया है, उसी में रख देगा तो घंटों नीरा सही सलामत रह जाएगा। उसका कोई पीना चाहे तो उसको भी पी सकता है सड़क किनारे। और आप जानते हैं आज जो ये ताड़ वालों को, ताड़ी उतारने वालों को और ताड़ से जितनी आमदनी होती है, जो इंतजाम हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा आमदनी होगी नीरा और नीरा के गुड़ और दूसरे। तो हम नहीं चाहते हम शराब बंदी नशा मुक्ति चाहते, लेकिन हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते, उसको और बेहतर रोजगार मिले और अच्छे काम में लगे। वो अपने क्षेत्र में हम घूम रहे थे बैसाख में, तो रुखाड़ी भी लेता था तो हम पहुंच गए तो हमको उठा लिया जिंदाबाद कर लेगा माधा लीवर के आदमी। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव उसके आधार पर हमारे मन में ये बात बनी हुई थी भाई इसको आज न कल तो बंद करें। पहले शंका मन में रहती थी बंद करने का, तब वो गड़बड़ करने वाला गड़बड़ करेगा ये होगा, एक मन में तो होता है ना द्वंद्व चलता रहता था।